सबके सब एक बार बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब जोर से बोलो, ये आवाज जितने दूर तक जाएगा जितने दुख कष्ट दारिद्र सब खत्म हो जाएगी, ये आवाज जितने दूर तक पहुंच जाएगी इसका इको कम करो। सबके सब जोर से बोलो, आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, कथा सुनने वाले आने वाले भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में गीता को रोज पढ़ना, ठीक है, बड़े रोज रोज एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो जिस घर में गीता हो ना ठाकुर जी उसी घर में रहते, जिस घर में गीता ही पढ़ाई हो घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, जो मांगो कुछ मिलेगा, ठीक है। रोज रोज एक एक श्लोक को जोर पढ़ाई करो, हिमाला भी इधर आओ। और कोई गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ है जो कि इसी गांव में ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले जन्मांतरी भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहती ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का रखने का कब सौभाग्य मिलता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, अगर करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा सुनने का किसको सौभाग्य मिलता है, और ये कथा रखने का भी जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। और जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो ये मत समझो आप ही यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हो। कहते स्वर्ग के जितने देवता लोग भी ये सबके सब स्वर्ग छोड़ करके ये भागवत कथा में ये सबके सब आते हैं और बैठ करके ये भागवत कथाओं को श्रवण करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। कहते आज जो सौभाग्य हमें मिला है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी भाग्य में भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग आगे सुनेंगे जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, कहते स्वर्ग के देवता लोग भी ये कथा सुनने के लिए आए, लेकिन खाली हाथों में नहीं, अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? आप लोग कभी कथा सुने, भागवत कथा कभी सुने कि नहीं? कौन कौन पहले सुने, हाथ उठा, पहले कौन कौन सुने सुने? कहते ये भागवत कथा श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्यों सुनाए, कारण क्या? बोले कारण है, इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया था।
बोले तुमको 7 दिन में ये तक्षक दंशन करेगा, ये तक्षक तुमको 7 दिन में दंशन करेगा, तुम मरने वाले हो, इसलिए उन्होंने ये भागवत कथा को सुनी है। इसलिए श्री देवता लोग, जिन जिन देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं, ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके आए और अमृत कलश लाए। बोले लो ये अमृत कलश पूरा के पूरा ले लो और ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप श्री परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये भागवत कथा आप हम लोग को सुना दो। लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ये देवताओं को भी ये भागवत कथा नहीं सुनाए, उनको भगा दिया वहां से। बोले तुम लोग बड़े मतलब ही हो, ये भगवान की जो कथा है ये कथा नहीं, कहते ये साक्षात श्री बांके बिहारी, ये भगवान कृष्ण है। कहा तुम भगवान को साथ में ये स्वर्ग का अमृत को बराबर करना चाहते हो। बोले स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होता है, बोलो, तुम्हारे पुण्य क्षय होगा। जब देवता का पुण्य क्षय होता है फिर उनको ये देवलोक से इसी मरते जगत में फिर आना पड़ता है। लेकिन ये भागवत कथा सुनने से पुण्य क्षय नहीं होगी, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी। ये बच्चों को बैठाओ चुपचाप, बच्चों बात नहीं करना, चुप चुपचाप बैठो, खड़े नहीं होना। ये बच्ची किसकी है, इसे गोद में बैठा कर रखो। इसलिए कहते ये स्वर्ग अमृत पान कर से क्या दाएं, इसका साउंड तेज करो। इसलिए स्वर्ग अमृत पान करने से पुण्य तुम्हारी खत्म होता है। बोले पुण्य क्षण पुण्यम मर्त्य लोकम विसरंती, ये पुण्य क्षय होने पर फिर उनको देवता लोगों को छोड़ना पड़ता है, फिर इसी जगत में आकर के फिर वही दुख कष्ट भोग करते हैं। लेकिन ये भागवत कथा पान करने से क्या होता है, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी, पुण्य तुम्हारी क्षय नहीं होगी, तुम्हारी पुण्य बढ़ेगी भागवत कथा श्रवण करने से। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते ये देवता लोगों को वहां से भगा दिए, बोले भाग जाए यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताए, बोले को काच को मणिर महा, उदाहरण दिया। अगर कोई एक टुकड़े कांच लेकर के आए आपको, बोले ये कांच ले लो, आपको पास में जो मणि है ना पारस पत्थर दे दो, आप दोगे, बताओ दोगे। इसलिए कहते जो भगवान की जो कथा है ना ये पारस मणि है, लेकिन जो स्वर्ग का जो अमृत कैसे है, कहती ये टूटे फूटे कांच के टुकड़े हैं, इसलिए उनको कथा नहीं सुनाए। इसका तात्पर्य यह है जो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, कहती ये देवता सभी बड़े हो, किससे बड़े हो, बोलो जोर से, कहते देवता सभी बड़े हो, क्योंकि देवताओं को भी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य उन्हें भी नहीं मिली, जो सौभाग्य आज हम लोगों को मिल रहा है। एक बार भागवत कथा की जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। आप लोग का जयकार ठीक से नहीं आ रहे, लगता है सवेरे से भोजन नहीं है किया, आवाज नहीं आ रही। देखो इधर एक बात सुनो, भागवत कथा की थोड़ी जय, उनका तो जय है ही है ठाकुर जी की, लेकिन उनको जो जयकार जो जितने जोर से देता है ना उसका उतना ही पाप खत्म होगा, उतना पुण्य बढ़ती है। जय तुम्हारी होगी उनकी नहीं, उनका तो जय जय है ठाकुर जी की। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये स्वर्ग में तो कथा है ही नहीं, कि ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये जो सौभाग्य आज हमें मिला है, कहते स्वर्ग से 7 लोक ऊपर में ब्रह्मलोक है, जहां पर श्री पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। कहते ये ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बोले कथा है तू भी भावना बिहाई, कथा है तू भी भावना बिहाई।
बताने को अब ना भी आई तो आसुनी बात इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, बोले ब्रह्मलोक में। अब लोग कितना दूर से कथा सुनने आए हो, कितना दूर से आए, कितना किलोमीटर से, यही गांव से है ना। देखो हिंदी समझते हो ना, देखो ये गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अगर कहीं ये भागवत कथा हो, ये ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, कहते भूर भुव मोह जन तप सतलो, ये ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचाई लोग ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते करोड़ों किलोमीटर दूर यहाँ से। लेकिन कहीं अगर ये भागवत कथा होना, ये ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से उतर करके आते हैं कथा सुनने के। क्यों कहते धाई, धाई मतलब क्या, दौड़ दौड़ करके, दौड़ दौड़ के क्यों आते हैं, हम दौड़ दौड़ कर कहाँ जाते हैं, अगर हमें कोई पैसा मिले ना, कोई बोले देखो ये जो बिजनेस कर रहे तुम्हें लाख रुपया एक रात में मिलेगा, क्या होगा, भले ही हमें सोना की नहीं पड़े, रात भर हम जगे रहेंगे, जानते हैं लाभ होगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी को पता है ये भागवत कथा से हमें जितने भाग्य मिलेगा ना, जितने हमें फायदा मिलेगा, और किसी चीज से मिलेगी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये ब्रह्म लोग छोड़ करके करोड़ों किलोमीटर से दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो यहाँ और एक चीज सिखा देते हैं, कभी कथा में अकेले मत जाओ। जब ब्रह्मा जी आए ना, वो अपना ब्रह्माणी पत्नी को लेकर के आए। आगे हम सुनेंगे जब शंकर जी कथा सुनने आएंगे, वो पार्वती को साथ में लेकर के आते हैं। जब देवता लोग कथा सुनते हैं, वो देवियों को लेकर के आते हैं। बोले क्यों, ये जोड़े जोड़े क्यों आते हैं, कहते ये दो दो क्यों आते हैं, एक एक क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण बताए। जैसे आप लोग सात दिन कथा सुनोगे ना, आप देखोगे सात दिन में तुम्हारी हृदय बदली आएगी, तुमको पता चलेगा ये जीवन कितने दुर्लभ है, कितने भाग्य से हमें ये मानव शरीर मिला है। ये जीवन मानव शरीर नहीं, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये 84 जन्म भटकते भटकते हम मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम संसार के सारे दुख कष्ट से निकल करके भगवान तक जा सकते हैं। ये मानव शरीर नहीं, कहते हमें ये कोहिनूर हीरे मिले हैं, क्या मिले हैं, कोहिनूर हीरे हमको मिले हैं। अगर ये मानव शरीर को बाद में अगर प्रभु की भजन नहीं करेंगे तो फिर ये मानव शरीर नहीं मिलेगा, नहीं देंगे ठाकुर जी। कहते लाद 84 ब्रह्म के ये नर तनु दही, ये मानव शरीर तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ही ये जीवन मिला है। इसलिए मानव शरीर का जो एक एक श्वास है ना, ये अनमोल है, ये अनमोल है, हैं? इसलिए अगर कोई बोले ये अंबानी, मानो उसके डॉक्टर ने बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास, अगर उसको परिवार बोले तुम्हें 4 कोहिनूर हीरे दे रहा हूं, इसकी 4 श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं डॉक्टर, नहीं ला सकते हैं। इसलिए भैया ये मानव शरीर नहीं, ठाकुर जी हमें ये कोहिनूर हीरे दिए, क्यों, इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करते हुए हम ठाकुर तक इसी जीवन में जा सकते हैं, हैं? इसलिए भगवान कहते हैं साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा
इसलिए भगवान राम ये अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं ठाकुर जी, बोले देखो हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है, साधन धाम, मतलब इसी शरीर से ही भगवान की साधन भक्ति कर सकते हैं। 84 लक्ष जीवन में एक ही जीवा मिला है, जिस जीवा से हम ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। मानव के सिवाय और किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल सकता है, बोलो और कोई बोल सकता है क्या, कोई नहीं बोल सकता, केवल ये इंसान ही बोल सकते हैं। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, भैया मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे, ये 84 लक्ष जन्म भटकते भटकते क्या करो, ये जीवन को पा करके बर्बाद मत करो, ये जीवन को पा करके प्रभु की भक्ति करते हुए दुख कष्ट से निकल करके बास ठाकुर तक चले जाए। लेकिन जब तक हम ये सात दिन की कथा सुनेंगे ना, आप लोग देखना आपका मन बदल जाएगा, समय को बर्बाद नहीं करोगे, समय मिलेगा तो ठाकुर का भजन करोगे, ठाकुर जी की नाम करोगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, सबके सब हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले श्रीमद वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते भैया दो दो होकर कथा क्यों सुनने आए, जैसे मन माता जी 7 दिन तक कथा सुन आपको ज्ञान मिलेगा, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हो, जो ज्ञान मिला क्या करोगे, समय को बर्बाद नहीं करोगे, समय मिले तो गीता पढ़ोगे रामायण पढ़ोगे प्रभु का नाम जप करोगे। अगर पति लोग नहीं आए ना, फिर पति लोग क्या बोलेंगे, बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई, पहले तो बोलते थे सिनेमा देखने चलो घूमने चलो, अभी बोलते वृंदावन चलो, है ठाकुर को भजन करे। अगर भाई लोग आए, अगर माता ही नहीं आई, भाइयों के ऊपर में भी ये रंग चढ़ेगी, फिर रंग चढ़ेगा तो भाई लोग क्या करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। फिर क्या अगर माता ही नहीं आई ना, क्या बोलेंगे, फिर काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठी है तो। इसलिए माताएं भी ताना तुमको मारेगी, लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए जाओ ना, फिर दोनों को अगर रंग चढ़ेगा तो गाड़ी धूप पे हमें चलती है ना, है अगर दोनों पति पत्नी अगर आओगे कथा सुनने के लिए, फिर क्या होगा, दोनों मिलकर के सत्संग में जाओगे, दोनों मिलकर के भजन करोगे, वृंदावन धाम जाओगे ठाकुर को धाम, फिर गाड़ी तुम्हारी बढ़िया चलेगी। इसलिए देखो यहाँ पर जब देवता लोग कथा सुनने आए, वो अकेले नहीं आए, देवी को साथ में आती है। ब्रह्मा जी आए तो कहते कथा है तो विधि भवन बिहाई सुनिवत सारदे, ब्रह्मा जी का पत्नी का नाम शारदा, वो शारदा को लेकर के आती है कथा सुनने के लिए। अभी शंकर भी कथा सुनने के लिए आते हैं, देव गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक बार त्रेताया जोग माए, एक बार त्रेताया जोग माए, एक समय त्रेता युग में
भगवान शंकर जी अपना पत्नी सती को लेकर के कथा सुनने के लिए आए। कहाँ? बोले इसी मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए आए। बोले कथा सुनने का फल क्या है? बोले कथा सुनने का फल ठाकुर का दर्शन। जब शंकर जी और सती कथा सुन करके जा रहे थे, इतने में रावण ने सीता माता को उठा करके ले गया, हरण करके ले गया। उसी समय में भगवान राम लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे, मेरी सीता कहीं देखो, मेरे सीता को कहीं देखो। अभी शंकर जी बोले देखो ठाकुर का क्या विचित्र लीला है, हैं? क्या विचित्र लीला है, सीता रावण थोड़ी उठा करके ले गया। रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे? हाथ उठाओ तो टीवी में। आप बताओ तो सीता को रावण ने उठा करके लिया था कि नहीं? कौन बोलते लिया नहीं लिया ना, क्योंकि जो असली सीता थी वो सीता को उन्होंने अग्नि को पास में छुपा कर रखी थी, वो नकली सीता थी, असली सीता थी नहीं। क्योंकि सीता माँ लक्ष्मी स्वयं है, कहाँ रावण का हिम्मत माँ लक्ष्मी को स्पर्श करे, कभी इन्हीं आंखों से लक्ष्मी को दर्शन तक भी नहीं कर सकते हैं। रावण देखा तक भी नहीं सीता को ले जाएगा क्या? वो छाया सीता को ले गया था, लेकिन प्रभु बड़े विचित्र लीला कर रहे थे, विचित्र लीला। इतने में शंकर जी ने सती को लेकर के दूर से परिक्रमा कर रहे थे, प्रभु की लीला में कोई व्याघात नहीं हो जाए। इतने में सती ने शंकर जी से प्रश्न करती, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा कर रहे हो? आप जो परम ब्रह्म परात्पर राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना ये कोई साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को पता है रावण ने नकली सीता को लेकर गया, वो सीता अभी अशोक वाटिका में, ये मेरे को पता है। अगर ये घटघटवासी अगर परम ब्रह्म भगवान होते तो क्या इतनी सी बात उनको पता नहीं? और हा सीते बोल करके रो रहे हैं, क्या इनकी इतनी बात पता नहीं? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, बोले देखो पार्वती, जो गुरु और जो पति की वाक्य पर अविश्वास नहीं करनी चाहिए। लेकिन सती बोली मैं लिखी बड़ी हूँ, ऐसे मैं समझ जाऊंगी थोड़ी है, मैं मानने वाली नहीं। देखो बताए जगत में सबको आप समझा सकते हो, लेकिन ये पांच प ऐसे है ना, लेकिन ये पांच प को आप नहीं समझा सकते हो। जानते हो पांच प कौन है? कौन है? पहला नंबर पत्नी। आप देखना पति का बात सारा दुनिया सुनता है, लेकिन पत्नी को समझाने के लिए कोशिश करे, पत्नी बोली इनको ही मैं समझाते समझाते हार जाती हूँ, खुद नहीं समझते, ये खुद नहीं समझते। आप दुनिया को समझ रहे, देखना पत्नी को समझना बड़ा कठिन है। और जो दूसरा प है ना, बोले पुत्र है। जो तीसरा प है, बोले पुत्री। और जो तीसरी जो चौथी जो प है, ये परिवार वाला। आप देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो पूछो, लेकिन परिवार में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं। और जो पंचमा प है ना, क्या तुम्हारी पड़ोसी। देखना सारा दुनिया से तुम्हारी प्रेम है, पड़ोसी से देखना झगड़ा तुम्हारी, पड़ोसी से बनती नहीं, सारा दुनिया में बनती है, हैं? इसलिए शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती नहीं समझी। परीक्षा करने के लिए गई, उसने परीक्षा करने के लिए गई प्रभु को, हैं? इसलिए नियम है भैया गुरु जी की वाक्यों के प्रति हर समय विश्वास करनी चाहिए। लास्ट में सती को फिर शरीर त्याग देना पड़ा। अब सुनेंगे सती को जाकर कनखल में शरीर त्याग, हम आगे कथा सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कथा है, इसको थोड़ा तेज करो भैया, जो कथा है ये शंकर भी कथा सुनने के लिए कहाँ से आते हैं? कैलाश से उतर कर कथा सुनने के लिए आते हैं। ये कथा की इतने महत्व है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया कैलाश की बात छोड़ दो, ये कथा वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भोसोंडा, गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भोसोंडा, गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भोसोंडा, आया मचाया
दिया गंगा चरण दिया एक संत दूसरे संत से कहते हैं, बोले भैया कहीं भी कथा हो सत्संग हो सब कहते ताली बजाओ ताली बजाओ। बोले ये ताली बजाने से क्या होता है? बोले जो ताली बजाते हैं उसका तो पाप ऊपर उड़ कर चली जाती है, चली तो जाती है लेकिन बैठती कहाँ पर? बोले जो ताली नहीं बजाती। दूसरा कारण बताए जो ताली बजाए ना, अगर आपकी भाग्य रेखा अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो लेकिन भगवान की कीर्तन में ताली बजाना का इतना पुण्य है, तुम्हारी भाग्य रेखा ठाकुर की बदला देती है। हम कहते ना ताली बजा करके स्वागत करो, लेकिन यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रही? ठाकुर जी की भागवत कथा। अगर भाग्य रेखा में कभी उल्टा सुलटा हो तो जितने जोर से ताली बजाएगा उसका भाग्य रेखा भी ठाकुर जी बदला देते हैं, इसलिए जोर जोर से ताली बजाना। बोले वृंदावन मेरा देखो अब ये गांव जो ग्राम वासियों का कितने पुण्य देखो, जैसे देवता लोग कथा सुनने के लिए स्वर्गों को छोड़ करके आए, ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग को छोड़ करके आए, शंकर जी कथा सुनने के लिए शिव लोग को छोड़े, और गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ कर कहाँ पर आए? इसी मरते जगत में आए। लेकिन देखो ये गांव का नाम क्या है? सिड़की।
देखो ये सिड़की वासियों का कितना सौभाग्य है, ये देवताओं को तो सब छोड़ना पड़ा, लेकिन आप लोगों को कुछ भी छोड़ना पड़ा? बोलो, आप लोगों ने गांव छोड़े हो? कुछ भी नहीं छोड़े, लेकिन ये कथा रूपी गंगा स्वयं ये वृंदावन से बहते बहते कहां पर आ गई? आपकी घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठी बैठी करके ही कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। मतलब है हम लोग बड़े भाग्यवान समझो जो कि ये श्रीमद भागवत कथा सुन रहे। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है पार्वती, लेकिन एक चीज की बड़ी दुर्लभ है। तो माता पार्वती कहती है प्रभु किस चीज की दुर्लभता है? बोले ये जो श्रीमद भागवत कथा पार्वती ये बड़ा दुर्लभ है। इतने में माता पार्वती कहती है, कहते आप कहते हो कथा बड़ा दुर्लभ है। बोले हाँ। बोले देखो सिड़की वासियों को देखो, कथा हो रही कि नहीं? कथा हो रही कि नहीं? इसलिए आप लोगों ने कथा की व्यवस्था की, घर घर में निमंत्रण दिए होंगे, दिया कि नहीं? घर घर में बोले कि नहीं कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ? आप लोग निमंत्रण दिए होंगे ना? दिए कि नहीं कथा सुनने के लिए? दिए। इसलिए यहाँ माता पार्वती कहती है प्रभु आप कहते हो सतसंगति दुर्लभ संसार। बोले हाँ दुर्लभ। बोले तो सुलभ हो गया है, ये सुलभ हो गया। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले पार्वती बोले आबत यही सार अति कठिनाई, आबत यही सार अति कठिनाई, आबत यही सार अति कठिनाई, आबत यही शंकर जी क्या कहते हैं, बोले पार्वती अगर ये कहीं भागवत कथा हो ना, आप यही सर अति कठिनाई, यहाँ आना बड़ा कठिन है पार्वती, सहज में कोई नहीं आएगा। मैं तो कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ करके आता हूँ, लेकिन ये गांव में कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग आए ना, कितने लोग आए यहाँ पर बोलो? अगर किसको पता चले सलमान खान आ रहा है गाँव में, शाहरुख खान आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रही है, हेमा मालिनी, बताओ यहाँ पर प्यार रखने की जगह होगी तुमको? बताओ प्यार रखने की जगह तुमको होगी अगर पता चली ये आ रहे? होगा कि जगह कि नहीं? अगर टिकट भी बनाए ना तभी टिकट खत्म हो जाएगी, टिकट भी नहीं मिलेगी। लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर किसको बोले सत्संग हो रही है, भगवान की कथा, भगवान की कथा, पार्वती सहज में या नहीं आएगी कोई पार्वती? इसलिए बोले अति कठिनाई बड़ा कठिन है, हजार बहानाबाजी बना देंगे, हमारी ये काम पड़ गया तो वो काम पड़ गया था, वो चला गया था। लेकिन अगर ये हीरो हीरोइन कोई आ जाए फिर कोई बहानाबाजी बनाएंगे? कोई बहाना चलेगा वहां पर? कोई बहाना नहीं बनाएंगे वो कथा में, वो उनको देखने के लिए हजार लोग आ जाएंगे। फिर शंकर जी कहते पार्वती फिर ये बताओ तुम्हारी ये कथा भागवत कथा में कौन कौन आए, ये कथा में कौन कौन आएंगे? ये शंकर जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी कौन है? देवदेव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को। कहते पार्वती देखो कौन कौन आ सकते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर हो, अति हरि अति हरि अति हरि जाप
शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि, प्रभु जी जो पानी दे रहे हो ना वो पानी वाले प्रभु जी, पानी तभी देना जब कीर्तन हो, ठीक है पानी को रख लो, जब कीर्तन होगा ना फिर कीर्तन में दे देना। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ थोड़ी समय के लिए, कथा को बीच में पानी नहीं पीते हैं, तभी पीना जब कीर्तन करेंगे ना, कीर्तन को बीच में थोड़ी थोड़ी पानी पी लेंगे। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, दो चार थाली में पानी ला करके यहाँ रख लो, रख लो फिर जब कीर्तन होगा फिर मैं बोल दूंगा देने पीने के लिए। बोले देखो पी लो तो पी लो, मैं कीर्तन कर लेता हूँ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा सुनने वही आ सकते हैं अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको पर में ठाकुर का विशेष कृपा हो पार्वती पाप देहीय संगत सोई, वही आ सकते हैं। एक उदाहरण दिया है जैसे तुम्हारी घर में शादी हो रही है, आप बताओ शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दोगे, अगर वो विदेश में क्यों नहीं हो, वो बॉम्बे में क्यों नहीं हो, जैसे भैया बॉम्बे में रहते हैं सूरत में रहते हैं, लेकिन ये कथा के लिए इतना दूर से उन्होंने सूरत से भी उन्होंने कथा सुनने के लिए आए, इसलिए वही आ सकते हैं। कौन आएगा, जिसको ठाकुर जी जिसको अपने निमंत्रण दोगे वही व्यक्ति ही ये शादी विवाह में आ सकते हैं। अगर आप किसको निमंत्रण नहीं दोगे, जैसे तुम्हारी घर को पास में किसकी घर है लेकिन आप उसको नौता नहीं दिया, तुम्हारी घर में शादी, वो आएगा कि नहीं तुम्हारे घर में, बोलो नहीं आएगी, क्यों आप उसको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन कहीं अगर विदेश में अमेरिका लंदन फ्रांस में कोई परिवार के कोई व्यक्ति रहता है, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे वो आएगा कि नहीं, बोलो वो आएगा ना, क्योंकि आप उसको निमंत्रण दिए हो। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा रूपी भागवत कथा में कौन आ सकता है, बोले ठाकुर जी जिसको निमंत्रण दिया है, ठाकुर जी जिसको बुलाया है ना, वही केवल ये भागवत कथा में वही आ सकते हैं। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में रास रचाए, जब ठाकुर जी बंसुरी बजाए ना, ब्रज में कितने लोग थे, सब नहीं आए, ठाकुर जी जिसको बुलाया करते थे वही आए, उन्होंने गोपियों को बुलाया करते थे इसलिए गोपियां ही आई, वहां पर सबके सब नहीं आए। इसलिए समझो आप लोग जो कथा में आए ना, बांके बिहारी तो भागवत कथा रूपी बंसुरी बजाई, लेकिन लगता है ठाकुर जी केवल तुम्हारी कान में बंसी ध्वनि गई है, इसलिए तुम लोग को ही ये कथा में आए हो और कोई नहीं आए, ठीक है। इसलिए ठाकुर जी आपको पर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है बांके बिहारी जी के। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय जय श्री राधे। हाँ अभी जैसे यहाँ 7 दिन तक कथा होगी, आप बोलोगे भैया ये कथा सुनने से हमें क्या मिलेगी, हम क्यों यहाँ पर 3 दिन घटाते, अगर ये समय को और कहीं देते तो क्या होता, हमें कुछ तो लाभ होता, लेकिन यहाँ पर बेकार का 3-3 घंटा क्यों बैठ करके समय को दे। इसलिए भागवत में राधा रानी खुद कहती हैं, अगर ये कथा जो सुनोगे आपको 7 फायदा होगी, कितना फायदा होगा, क्या क्या, आज मैं सुनाऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, 7 लाभ किया है, 7 लाभ किया। वैसे तो पद्म पुराण में बताए जो दुखी है भागवत कथा उसको सुख देता है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, आप कथा में नहीं बैठे हुए, कल्प वृक्ष मतलब जो मांगो, आप देखना एक मन से ठीक ठीक से अगर आप कथा सुनोगे नियम करके, हमने देखा है जिनको 20-30
35 साल तो कोई संतान थी नहीं, जब उनने 7 दिन तक कथा एक मन से सुनी है ना, उनको संतान की जन्म हुई। कोई भी इच्छाओं को लेकर के भागवत को सुना, जो रोगी उसके निरोग करता है, दुखी उसे सुख प्रदान करता है, निर्धन को धन देता है, दुखी को सुख प्रदान करता है, जो मांगो कहते भागवत सारी इच्छाओं को पूरी भागवत कर देते हैं। ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष को नीचे आ बैठे। अब एक मन से नियम से कथा सुनकर देख लेना, अब जो मांगोगे वही भागवत आपको इच्छा पूरी कर देगी। बोला श्रीमद भागवत कथा मृतम की, इसलिए भागवत में बताए अगर ये कथा सुनोगे तो आपका कितना लाभ होगा, 7 लाभ होगा। मन देख रहे सुनना, फिर देखूंगा कल मेरे को कौन बोलता है। बच्चों पहले तुम लोगों को पूछूंगा क्या मिलेगा भागवत कथा से, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये राधा रानी खुद कहती हैं भागवत से 7 लाभ है। कहते 7 लाभ क्या है, बोले तब कथा अमृत तब भागवत श्रवण करने का पहला पहले है, ये भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या नाम है, ये कथा को जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त होगा, क्योंकि शंकर जी ये कथा को पार्वती को उन्होंने अमरनाथ में सुनाए थे। कोई अमरनाथ गए हो, कोई नहीं गए, कौन जाना चाहते हो हाथ उठा, सबके ले चाहेंगे, सब जाना चाहते हैं। इसलिए ये अमरनाथ में अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी माता पार्वती को ये कथा उन्होंने सुनाए थे, इसलिए उसका नाम अमरनाथ है। बोले क्यों उस कथा सुनाए थे, ध्यान देकर सुनो कि देखो हम चाहते हैं ना, हमारी यहाँ कथा करने का एक उद्देश्य है, हम चाहते हैं तुम्हारी पूरे गांव को भगवान की भक्त बना दे। जिस जिस घर में प्रभु का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो ना, वो घर नहीं वही भगवान का धाम है, वो भगवान की धाम है, वही वृंदावन है, हैं? अगर सारे बच्चे घर में कीर्तन करे भजन करे पूजा पाठ करे, तुम्हारे घर ही भगवान का धाम। अगर भक्ति नहीं करोगे ना, फिर बच्चे भी गलत रास्ता पर जाएंगे, हैं? कोई शराब पिएगा, कोई गंजा फूकेगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, और क्या करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो ही करेगा, अभी कलयुग का प्रभाव तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर भक्ति करोगे ना, फिर बच्चे कभी भी गलत रास्ता में तुम्हारे नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारी हर घर घर वृंदावन धाम बन जाए। क्या बन जाए, भगवान की धाम बन जाए तुम्हारी घर, हमारी ये उद्देश्य है। इसलिए ये कथा को अच्छे तरह से सुनो, और सुन करके क्या करो, ये कथा को दूसरों को भी सुनाओ। जैसे कथा सुन करके तीन तीन घंटा कथा सुनोगे, आज तो जल्दी आपको छोड़ देंगे, हैं? कथा सुनोगे घर में जाकर बच्चों को भी कथा सुनाओ। अगर बोलोगे मैया कहाँ गई थी, क्या सुन करके आओ, लेकिन ध्यान देकर सुनोगे तब तो बच्चों को कथा सुनाओगे ना, ठाकुर जी कथा सुनाओगे। अगर यहाँ सुनोगे नहीं बैठी करके, फिर सुनाओगे क्या, हैं? इसलिए ठीक है ना, कथा भी सुनो और घर में जाकर के बच्चों को भी सुनाओ। बच्चे को अंदर में अच्छे संस्कार आए, बच्चे ठीक है, बच्चे अच्छे बने तुम्हारी, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ध्यान देकर बच्चे सुनो ये कथा की पहला लाभ क्या, बच्चों ध्यान सुनो। बोले इसका अमरनाथ क्यों पढ़ाए, कारण क्या है, अमर कथा सुनाए। बोले कब क्यों सुनाए, बोले एक दिन नारद जी पहुंचे
कैलाश में शंकर जी गए हुए थे सत्संग में, घर में मैया पार्वती थी। इतने में जो नारद जी आए, माता पार्वती नारद जी को बड़े सेवा की, क्योंकि नारद जी माता जी के गुरु है। घर में गुरु आए तो गुरु जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। माता जी बड़ी गुरु जी की सेवा पूजा की। इतने में नारद जी, कोई कोई कहते ना वे तू क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या, क्या तुम लड़ाई लगा देते हो? लेकिन नारद जी लड़ाई नहीं लगाते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जैसे ठाकुर का कोई नई लीला प्रकट हो जाए, फिर नारद जी इसका आस्वादन करते हैं। इतने में नारद जी बोले माता जी ठीक ठाक हो? बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से ठीक ठाक। बोले किस चीज कैसे ठीक ठाक हो? बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी है जिसको पति प्रेम करता है, शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। बोले कैसे? बोले कहीं भी कथा सुन करके आते हैं ना, ये सबसे पहले पार्वती शंकर जी मेरे को सुनाते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी मेरे को बड़ा प्रेम करते हैं। बोले देखो पार्वती प्रेम तो करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं। बोले नारद जी और आगे मत बढ़ा दो, मैंने सुना आप जहां जाते झगड़ा लगा देते हो, भैया हमारी पति पत्नी बड़े बढ़िया चल रहा है, तुम झगड़ा मत लगाया करो, हाँ झगड़ा मत लगाया करो। बोले हाँ मैं सही बोलता हूँ, आपको पता है शंकर जी अंदर अंदर में और किसको भी प्रेम करते हैं। हे सुनते ही तो पार्वती का बुद्धि चकरा गई, क्योंकि देखो पत्नियां हर चीज को सहन कर लेंगी, अगर उनको पता चले उसको पति अंदर अंदर में और किसको प्रेम करते हैं, माताएं कभी ये चीज को सहन नहीं कर सकती है, हैं? कितने बोले कैसे बोल रहे? बोले हाँ सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। बोले पता कैसे चला? बोले आज एक काम करियो, तुम जाकर के मान भवन में लेट जाओ, शंकर जब आए ना सारे कपड़ा है मैला कपड़ा पहन करके लेट जाओ, शंकर जब आए शंकर जी को पूछना आपकी गले में ये मुंडे की माला किसकी, बस सब रहस्य पकड़ हो जाएंगे। और तीन बार कसम खिला करके बस नारद तो भाग गए वहां से, जब भाग गए इतने में शंकर जी आ रहे थे। इतने में शंकर जी बोले नारद जी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। बोले आज मेरे पास में कोई समय नहीं। शंकर जी सोचे भैया होना कोई लड़ाई झगड़ा लगा रहा तो गए नहीं, सचमुच से घर में आए तो देखा पार्वती मान भवन में लेटी हुई। शंकर जी गए जब शरीर पर हाथ रखे, हाथ को तो फेंक दे। बोले भाई क्या हो गया, हाँ क्यों मान की हो? बोले मैं तो समझ रहे थे पहले आप भोले बाबा, तो पता चला तुम बड़े कपटी हो। बोले किस चीज की कपटी है बताओ, प्रश्न करो। बोले पहले तीन बार कसम खाओ मेरे पर पूछोगी। शंकर जी तीन बार कसम खाई। बोले बताओ क्या पूछना चाहती हो? बोले आपकी गले में जो मुंडे की माला किसकी है, आप इसको क्यों धारण करके रखे हो, कभी त्याग नहीं देते हो? शंकर जी ने देखा भैया मैं जो बताना नहीं चाहता हूँ ये नारद जी क्या करते हैं, सारे रहस्य को उद्घाटन कर देते हैं। बोले देखो पार्वती ये जो गले में जो मुंडे की माला ये तुम्हारी। बोले मेरी, मेरे सर तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गया? बोले देखो पार्वती पहले जन्म में तुमने सती थी और तुम्हारी पिताजी तुमको कनखल में जब गई थी ना वो अपमान की मेरे को, इसलिए तुमने शरीर त्याग की। एक जन्म नहीं कितने जन्म से तुम शरीर त्याग देती हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक तेरे सर को मैंने माला रूप में गले में धारण करके रखा। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप छोटे मोटे कपटी होंगे, अभी तो पता चला आप बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले आप बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को अपने पान की, आप मर नहीं रहे हो, मैं मरती जा रही, ऐसे क्या अमर बोटी को पान की? देखो शंकर खुद कहते हैं बोले जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त की, तब से मैं नहीं मर रही हूं। तो पार्वती बोली प्रभु मेरे को भी सुना, मैं मरती जा रही हूँ आप मर नहीं रहे, इसलिए मेरे को भी अमर कथा सुना दो, फिर तो दोनों ही अमर बन करके रहेंगे। बोले देखो पार्वती ये अमर कथा को सब नहीं सुन सकते। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ तू सुन सकती हो, क्यों? तुम्हारे अंदर में श्रद्धा भक्ति है, जिसको अंदर में श्रद्धा भक्ति वही कथा सुन सकते। बोले चलो फिर तो सुनाओ। बोले चलो तेरे को अमरनाथ ले चलते हैं। शंकर जी पार्वती को उन्होंने अमरनाथ में लेकर गई। बोले देखो पार्वती मैं जब कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा और तू बीच बीच में हुंकार भरते रहना, पता चले कम से कम तू कथा सुन रही हो। शंकर जी जयकार देकर कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय। जोर से बोलो थोड़ा। बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय। बा शंकर जी
कथा सुनाना प्रारंभ किया। माता पार्वती हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा। उसको बाद में क्या हुआ, शंकर तो भोले बाबा आंख बंद करके सुनाते सुनाते जा रहे थे। इतने में पार्वती बीच में सो गई। जब सो गई, भगवत इच्छा से उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। इतने में तोता ने देखा माता जी तो सो गई, शंकर जी तो कथा सुनाना बंद कर दी, क्यों हुंकार करना बंद कर दिए, फिर तो मेरी कथा भी अधूरी, मेरी कथा भी रह जाएगी। इतने में उन्होंने हुंकार भरना, तोता ने हुंकार भरना शुरू की। करते करते जब कथा विश्राम हो गई, शंकर जी फिर जयकार दिए, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। मैया तो जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले किसको बाद, बोले कथा तो विश्राम हो गई, बोले बीच में तो सो गई थी, बोले नहीं तुम जग रही थी, हुंकार भर रही थी, बोले नहीं बीच में सो गई। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा, क्योंकि जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्ति करेगी। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन ली कथा को, फिर तो अमर हो जाएगा, तो दुनिया के लिए हानिकारक है। हाँ, इतने में शंकर जी इधर उधर देखने लग गए, देखा वो वृक्षों के ऊपर एक तोता बैठ करके हुंकार मार रहा था। शंकर जी ने देखा दुष्ट, तुमने ये ब्रह्म ज्ञान को चोरी की, छुप छुप करके, अभी तेरे को मैं मारता हूँ। शंकर तो उसको पीछे भागी और तोता उड़ते जाए, जहां गए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। करते 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 जब गए बद्रीनाथ में, हम लोग गए बद्रीनाथ, कोई कहीं भी नहीं गए तुम लोग, एक माता जी गए। इसलिए ये बद्रीनाथ में जहां पर व्यास देव जी ने भागवत रचना की, देखो हम लोग हिंदू है, कौन हो हिंदू है ना, हम बड़े भाग्यवान हैं जो भारत में जन्म हुए हैं। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये कहीं और है क्या, पृथ्वी में कहीं नहीं है। लेकिन हम कभी कभी तो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन अपना भारत में जो तीर्थ स्थान नहीं जाते, एक बार जीवन में जरूर हमें जानी चाहिए, ठीक है ना। इतने में शंकर जी जब पहुंचे बद्रीनाथ में, वहां पर व्यास देव अपना पत्नी बिटका को यही अमर कथा सुना रहे थे। अब बिटका भी कभी कभी ऐसे मुंह करके सुनते ना, मुंह खोल करके, वो ऐसे हाँ करके सुन रही थी। इतने में वो तोता गया, सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा ये तोता गया कहाँ, यहाँ तो आकर गायब कहाँ हो गया। व्यास देव बोले शंकर जी कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। बोले अनर्थ हो गया, बोले क्या, बोलो तो क्या हुआ। बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या है, बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले सचमुच तुम भोले ही हो, खुद कहते हो अमर कथा जो सुनेगा मरेगा नहीं, आप बताओ वो तोता कथा सुनी कि नहीं। बोले हाँ सुन ली। बोले जब कथा सुन ली वो अमर बन गया, फिर तुझे मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले अभी तक तुम्हारी याद नहीं था ये बात। फिर शंकर जी ध्यान लगाए, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, अगर ये तोता कोई साधारण होता तो ये कभी कथा में नहीं बैठ सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्य बहु जन्म समर जीते न, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर कभी कोई कथा में बैठ सकता है, नहीं तो कथा में बैठ नहीं सकते हो। देखना टीवी में जब सीरियल आती है ना, ये सीरियल की आई टीवी में जो सिनेमा आती है, झूठ चीज, झूठ मूड चीज को एक रूपक देकर बना दिया, देखे तीन तीन घंटा बैठ कर देख ले, और स्मार्टफोन देख तो पता नहीं कितना घंटा बीत जाती है। लेकिन कथा में बोलो बैठने के लिए बैठ मन ही नहीं लेती, क्योंकि कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिनको करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होगा वही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा ये तोता कौन है, अगर कोई साधारण तोता होता तो इकन कथा में नहीं बैठ सकता, ये जरूर कोई पुण्यात्मा। शंकर जी ध्यानस्थ हुई, ध्यानस्थ उन्होंने सब कुछ दर्शन किया, क्या देखा है, देखो ये तोता कौन है। बोले प्रिया सुकश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये जो तोता है ये राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले ठाकुर जी की सारी लीलाओं को जो दर्शन की, कभी कभी राधा रानी उसको अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी इनको चुंबन भी करती थी।
इसलिए राधा जी की जो अधरामृत है ये तोते के ठोंट में ये अधरामृत लगा हुआ है, इसलिए ये तोता कोई साधारण तोता नहीं। एक दिन क्या हुआ, यही तोता राधा रानी के हाथ से उड़ते उड़ते पहुंच गया बरसाना में। अब बरसाना से उड़ते उड़ते पहुंच गया नंदगांव में जहाँ कृष्ण रहते हैं, और छत को पर बैठ करके बड़े सुंदर एक भजन गा लो प्रभु, बड़े सुंदर राधा रानी की बड़ी सुंदर भजन गा रहे थे। फिर क्या हुआ, प्रभु एक सुंदर भजन सुनाते हैं, इसको बाद में हम कथा सुनेंगे। वो अपनी बारी में अमृत हो, अपनी बारी Bye.
अभी कृष्ण है, जब बड़े सुंदर राधा रानी कीर्तन सुने, देखा एक तोता बड़े सुंदर स्वर से राधा रानी की भजन गा रहे, कृष्ण बुलाया, वो तोता उड़ते आ गया और कृष्ण उसको बड़े अनार की दाना खिलाए, बोले बोलो तो राधे राधे, बोलो जोर से, वो तोता भी बड़े सुंदर राधे राधे बोला और बड़े सुंदर संस्कृत श्लोक बोल रहा था। कृष्ण बोले वाह, ये तोता होकर के संस्कृत श्लोक और राधा रानी की गले की आवाज, बोले सुलीली शब्द से बोल रहा था। कृष्ण एक सुंदर पिंजरा बनवाए सोने की, उसको अंदर में धर दिए। अभी राधा रानी की एक सखी ढूंढते ढूंढते आए, बोले राधा रानी के तोता कहीं चला गया। देखा कृष्ण हाथ में बैठा करके बड़ी लाड़ प्यार कर रहा है, बोले कृष्ण को, बोले कृष्ण ये हमारी राधा रानी की तोता वापस दे दो। बोले ये तोता मेरे तोता, बोले नहीं राधा रानी की ये पालता तोता, बोले अगर ये राधा रानी की पालता तोता भुलाओ तुम, अगर मेरे हाथ से उड़ करके तुम्हारी हाथ में चले जाए फिर मैं समझूंगा भैया तोता तुम्हारी, तुम ले जाना। बोले कृष्ण तेरा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है, सबको जो अपना तरफ में आकर्षण करे। बोले जगत में ऐसे कौन सा चिड़िया हो जो एक बार तुम्हारी हाथ में बैठे और तुम इतने प्यार दो तेरे को छोड़कर जा सकता है, कभी तेरे को छोड़ सकता है। बोले भैया तुम जाओ तोता तो मेरे। अभी उन्होंने मैया जसोदा के पास में गए, बोले मैया ये राधा रानी की तोता उड़ते हुए आ गया, कृष्ण पकड़ करके देना नहीं चाहते। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचरण के लिए जाएंगे पीछे से मैं भेज दूंगी। फिर मैया ने वो तोता को भेज दिया। इसलिए जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके गए, संपूर्ण अयोध्या को लेकर गए अपना धाम में, लेकिन एक व्यक्ति को लिया नहीं। जानते हो एक व्यक्ति किसको लिया नहीं, बोलो किसको नहीं लेकर गए, सबको। ठाकुर जी जब अयोध्या छोड़कर गए अपना दिव्य धाम में, सबको लेकर गए लेकिन एक को लिया नहीं। अब जानते हो कौन को लिया नहीं, बोलो कौन बोलेगा, हनुमान जी। हाँ ताली बजाओ निकली जिसने बोले, एक हनुमान जी को लिया नहीं। बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे तो फिर मेरे भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए क्या बोले उन्होंने हनुमान कोई लेकर नहीं गए। उसी तरह जब ठाकुर जी कृष्ण जगत छोड़कर गए, सबको लेकर गए लेकिन एक तोते को छोड़कर गए, क्यों, बोले मेरे भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा। यही तोता ही बड़े दुखी होकर भटक रहा था, जब अमरनाथ में गया उन्होंने देखा शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुना रहे हैं। फिर उन्होंने अमर कथा को सुने और उन्होंने बिटका को गर्भ में प्रवेश किया और वही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए पर जगत में ये भागवत कथा को प्रचार करेगा। शंकर जी इस सब चीज को उन्होंने देख लिया, बोले भैया मेरी कथा सुनाना सार्थक कथा हो गया, मेरी कथा सुनाना सार्थक कथा हो गया शंकर जी। फिर शंकर जी प्रणाम करते हुए वहां से चले गए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए देखो कथा सुनने का पहला लाभ है, शंकर जी स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुन करके ही मैंने अमर प्राप्त, मैं अमर बना। फिर माता सती, माता पार्वती जो जगदम्बा जगत जननी, वो भी यही कथा सुन करके अमरत्व को उन्होंने प्राप्त किया। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमर बन गया, अब भी अमर बनोगे। देखो जितने संत सब अमर होएगे कि नहीं, हाँ जितने संत, हनुमान जी अमर हुए कि नहीं, शंकर जी अमर है कि नहीं, पार्वती अमर है कि नहीं, गणेश अमर है कि नहीं, घर घर में पूजा हो रही ना, ये अमर तो प्राप्त की है। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है, ध्यान देकर सुनो, पहला लाभ क्या है बोलो जोर से, अमर बनोगे। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, देखना कोई बेटा से दुखी, दुखी 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 दुखी। लेकिन कथा सुनने का जो दूसरा लाभ है ना, बोले तप्त जीवनम, कि जितने दुख है तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगी। देखो इसका प्रमाण देखो, हम सबके सब संसार में किसी ना किसी तरह से दुखी है, लेकिन जैसे आप कथा सुन रहे हो आपको कोई दुख याद है, बोलो बोलो कोई दुख याद है तुमको,
कोई दुख याद है? कोई दुख याद नहीं, लेकिन ये पांडाल से बाहर निकलने का साथ साथ है ना, जैसे पहाड़ जैसे सब दुख आकर सर में बैठ जाएगा। घर में जाने पर ये होने वाले, घर में ये दिक्कत, घर में ये दिक्कत, लेकिन जब तक ये कथा में बैठोगे ना, तब तक तुमको कोई दुख कष्ट तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए कथा में बैठे मतलब ठाकुर जी चरण में ही तुम बैठे हो, बांके बिहार के चरण में बैठे हो, हैं, ठाकुर का गोद में बैठे हो। इसलिए दूसरा लाभ है, समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कलमस अपहम, कभी जीवन का जितने पाप है ये कथा सुनने से समस्त पाप तुम्हारी दूर हो जाएगी। बताओ संसार में क्यों दुख कष्ट उठा रहे हैं? ये पाप का फल है, लेकिन भगवत कथा में इतने शक्ति, सारे तुम्हारी पाप तुम्हारी यहाँ से धूल जाएगी कथा सुनेंगे तो। बोले चौथा लाभ क्या है? बोले श्रवण मंगल, ये कथा सुनने का साथ साथ तुम्हारी जीवन में मंगल प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारी अमंगल सब के सब तुम्हारी दूर होते जाएगी। कथा सुनने का मात्र से ही है कितना मंगल भवन अमंगला हरि। कहते पंचमा लाभ क्या? कितना पंचमा लाभ क्या? बोले श्री, श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब होता है जस। क्या जो ये भागवत कथा सुनेगा उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे सात दिन में ठाकुर जी तुम्हारी श्री सौंदर्य धन दौलत सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही तुमको प्राप्त होगा। बोले दा मतलब, कहते जगत में छठवा लाभ किया? बोले दा मतलब होता है खंडन, भगवान की कथा सुनने से तुम्हारी संसार का सारे बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती हैं, बोले जो सप्तम सप्तम जो लाभ किया है, बोले सप्तम लाभ है जो कथा सुनेगा। कि जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, बड़े बड़े दान है। कहते सबसे जगत में बड़ा दान किया है, कहती है भागवत कथा जो दान देते हैं, राधा रानी कह रहे हैं इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए आगे सुनेंगे व्यास देव जी सारे ग्रंथों को लिखे लेकिन शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत कथा लिखे ना शांति मिली। अब स्वयं देख लोगे सात दिन जब विश्राम होएगा ना, तुमको कितने शांति मिलेगी, आत्मा को कितने शांति मिलेगी, ठीक है। इसलिए कहती ये सात लाभ है, ये भागवत कथा सुनने का सात लाभ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं भागवत, क्या हो गया माइक तुम्हारी? इसलिए ये जो भागवत कथा की जो महिमा है, कहते ये दो ग्रंथ में ये भागवत कथा की महिमा आती है, एक हाथ में पद्म पुराण में और एक हाथ में स्कंद पुराण में। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाए, कथा जब विश्राम हो गई, भगवत धाम से बैकुंठ से रथ आया गोलोक वृंदावन से, परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी स्वरूप प्राप्त करते हुए सीधा सारे भूर भुव महासत्यलोक को पार करते हुए ठाकुर के चरण में पहुंच गए। अभी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले परीक्षित महाराज तो खुद दुखिया ही नहीं, कथा सुनते सुनते सीधा ठाकुर के पास में चले गए। तब उन्होंने के तराजू लाए, एक तराजू का एक तरफ में इस जगत का जितने सत्कर्म है, स्कूल कॉलेज खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, अन्न छत्र खोल दो, बड़े बड़े यज्ञ दान पुण्य उन्होंने एक तरफ में रख दिए, दूसरे तरफ में ये भागवत कथा सुनने का पुण्य को रखे। देखा जिधर ये पुण्य रखना एकदम पत्थर जैसे भारी रहा और सारे पुण्य ऊपर उठ गया। पता चला भैया भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये कथा यद्यपि नारद जी उन्होंने सुना था, किससे? बोले ब्रह्मा जी से सुना था, लेकिन ये विधि विधान पूर्वक उन्होंने सात दिन तक श्री चतुसन से सुने। फिर सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते बोले क्यों सुने? तो उन्होंने कथा सुनाए। एक दिन नारद जी ये मर्त्य जगत में आए, सोचा जो मर्त्य जगत है ये भगवान की धाम, मर्त्य जगत में ठाकुर का जन्म हुए है, उन्होंने मर्त्य जगत में सर्वत्र गए लेकिन उनको शांति नहीं मिली, सोचा वृंदावन में चलते हैं। जब वृंदावन में गए, जमुना किनारा में पहुंचे, क्या देखा उन्होंने? एक सुंदर युवती बैठी हुई, अगल बगल में कुछ माताएं बैठी हुई, उनका चामर भजन कर रही थी, लेकिन ये दो वृद्धों को देखे एकदम अचेत अवस्था में पड़े हुए। इतने में नारद जी इसको देख करके
पहले तो सोच रहे थे कोई सत्संग है, लेकिन उसको देख करके भागने लग गए। इतने में जो बीच में जो सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई, बोले हे नारद जी थोड़ी समय रुक जाओ, थोड़ी समय तुम रुक जाओ। बोले तुम कौन हो? बोले मेरे भक्ति है। ये जो दो वृद्धा है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। कहते ये ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए। जगत का नियम है माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्दशा को देखो तो सही। मैं माँ होकर के मैं हो गई युवती, लेकिन मेरे दो बच्चे कैसे बूढ़े हो गए? बोले ऐसे कैसे हो गई? तो उसका कारण बचाए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। बोले देखो मेरी कथा सुनो। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, वृद्धि कर्नाटक में जाकर के कोई कोई भक्ति को आदर की, वहां बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी भक्ति करने वाले कोई मिले, लेकिन मैं जो गुजरात में गया ना, मैं एकदम बूढ़ी हो गई। भैया गुजरात में रहते हैं, इसलिए गुजरात में रहते ना, इसलिए जब गुजरात में गया एकदम गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। बोले बूढ़ी क्यों हो गई? देखो अच्छी बहुत अच्छी चीज को सुन लो। पहले जो गुजरात था बड़ा नास्तिक देश था, कहीं ठाकुर का भजन नहीं, पूजा नहीं, भगवान की कोई भी किसी घर में ठाकुर को पूजा, तुलसी कुछ भी नहीं। अगर कोई तिलक कंठीधारी पहुंच गए भूल से ना, उसको पीछे इतने पड़ जाते थे, जब तक देश से खदड़े नहीं देते उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। मतलब इतना नास्तिक, गले में कंठी पहने तो बोले कौन सा पाप कर दिया, लकड़ी पहने हो। अगर तिलक लगाए तो बगुला कोई टाटी कर दिया है। अगर कोई चोटी धरे बोले क्या एरियाल तुम्हारी है, ऐसे उल्टा पुलटा सब बात बोलते थे। इसलिए भक्ति कहती है मैं जाकर के बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन ये वृंदावन में आकर के मैं बन गई युवती। बोले युवत क्यों बन गई? बोल भक्ति नृत्यति जत्रचा, जो वृंदावन धाम है वो राधा रानी के हृदय है। कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अपना हृदय को बिछा कर रखी, और वृंदावन ठाकुर का धाम है ठाकुर जी, इसलिए यहाँ पर मैं भक्ति आकर के हो गई जवानी। लेकिन मैं गुजरात में जाकर क्या हो गई थी? बूढ़ी। लेकिन अभी गुजरात में देखोगे ना, संपूर्ण पृथ्वी में जाओ, गुजरात में जाकर के देखोगे सबको भक्ति करते हुए देखोगे। कि भैया बोल रहे थे गुजरात में सब किसी ना किसी तरह से किसी भक्ति में जुड़े हुए होंगे, हैं जुड़े हुए होंगे। हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा लगती हैं, करीब करीब 1500 लोग केवल पूरा 1.5 महीना तक केवल पैदल में चलते चलते 84 करोस की परिक्रमा लगाते हैं। लठिया ले ले करके दीर में 15-20-25-25 किलोमीटर चल करके पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। भक्ति इतने गुजरात में, अभी पृथ्वी में सबसे ज्यादा गुजरात में भक्ति है। और गुजरात में सबसे धनी लोग कहाँ देखोगे? धनी पृथ्वी में सबसे ज्यादा धनी कहाँ पर है? गुजरात का। जानते हो क्यों धनी है? कारण है, ये धन कहाँ पर आती है? जहाँ कृष्ण की सेवा हो, अच्छे तरह समझो, जहाँ नारायण की सेवा हो, जहाँ कृष्ण की सेवा हो, लक्ष्मी तो वही आएगी ना। लक्ष्मी कहाँ पर जाएगी बोलो? जहाँ नारायण होगा वहीं जाएगी। जिस घर में ठाकुर को जितने सुंदर सेवा हो, जितने तुम ठाकुर को पूजा सेवा करते हो, गोपाल जी को हो या तो भगवान राम को, कहीं जहाँ पर जितने तुम ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर जी को, ठाकुर अगर तुम्हारे घर में पूजा सेवा हो रही है, लक्ष्मी अपने आप वहीं आएगी। इसलिए गुजरात में नौकरी चाकरी नहीं करते, सब बिजनेस करने वाले। हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य है, वो रहते हैं फिजी, वहां के राजा है। और पूरा वो पांच भाई सबके सब गले में कंठी माला तिलक, सबके सब वहां के राजा है। बड़े बड़े फैक्ट्री वहां पर खोलकर बैठे हुए, और घर में सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए अच्छी चीज को समझो, अगर घर में ठाकुर का सेवा पूजा खूब करो, ठाकुर का नाम लो, ठाकुर की भक्ति करो, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में अपने आप, लक्ष्मी तुम्हारे घर में अपने आप आएगी लक्ष्मी है। और वहां पर बड़े बड़े संत लोगों ने जन्म लिया है, तुकाराम, नरसिंह भक्त और वल्लभाचार्य, विठल नाथ, बड़े बड़े संत वहां पर आए। कि भैया बोल रहे थे किसी पार्क में भी चले जाओ, जरूर वहां पर कंठी तिलक लगाए वाले माला लेकर घूमते हुए सब मिलेंगे, जरूर 4-5 कहीं ना कहीं दर्शन होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो घर में लक्ष्मी आए, क्या करो, ठाकुर की बढ़िया से ठाकुर का सेवा करो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए बोले कहते मैं बूढ़ी हो गई,
नारद बोले कोई चिंता मत कर, तुम्हें मैं जवानी दिला दूंगा। बोला अगर तुम जवानी दिला दिया ना, तेरे हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब उनको कान में वेद पुराण उपनिषद एक एक कर जोर जोर से सुनाए, लेकिन चेतनता नहीं भई। गीता सुनाए तो थोड़ी सी आंख खुले, उसको बाद में धड़ांग करके गिरे। नारद तो दुखी हो गए, सर्वत्र भ्रमण करके पूछे कैसे इनकी ज्ञान होगी। लेकिन जब चतुसन को पास में गए, बोले ये श्रीमद भागवत कथा सुनाओ, इसी से ही ज्ञान होगी। बोले कैसे होगी, इनको तो हमने वेद पुराण इतिहास सबके सब सुनाए, समस्त शास्त्र का निचोड़ तो भागवत है, इनको तो ऑलरेडी मैंने वेद पुराण उपनिषद सुना दी। बोले देखो ये जो भागवत है ना, बोले निगमा कल्प करूर गलितम फलम, ये जो श्रीमद भागवत है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, इसलिए भागवत से जो आनंद मिलेगा और कहीं आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए भागवत कथा सुनाओ। फिर बोले हरिद्वार में आनंद नाम घाट में ये भागवत कथा हो। जितने लोग थे सबके सब कथा सुनने के लिए आए, ऋषि मुनि जितने बड़े बड़े देवता ऋषि सबके सब कथा सुनने आए, और जो नहीं आए अगस्त ऋषि घर घर में गए और सबको कथा सुनाने के लिए ले आए। जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हुए, देवता लोग भी जयकार दिए, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। अरे जोर से बोलो, ये देवता लोग भी जयकार दे रहे हैं। मतलब क्या है, किसी गांव में अगर कथा हो ना, आप मत समझो आप ही कथा में बैठे हो, जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध वो भी बैठे हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरी ये भी कथा सुनने आते हैं, जितने बड़े बड़े ऋषि लोग देवता लोग भी कथा सुनने आते हैं, हैं? ये मत समझो तुम ही यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हो, नहीं। और जहाँ कथा हो देवता लोग भी स्वर्ग से जयकार और पारिजात पुष्प की बौछार करते हैं। बोले इतने महिमा ये कथा जिस गांव में हो, हैं? इसलिए क्या करना, कल जितने माताएं बैठे हो ना, सब अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला करके लेकर आना, सबको लेकर के आना, क्योंकि जिसको लाओगे उसका आधा पुण्य लाने वालों का मिलेगा, ठीक है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, इसलिए वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए। जब ये श्रीमद भागवत कथा प्रारंभ हुई, कथा की प्रभाव से गोलोक वृंदावन से श्री जुगल सरकार प्रकट हो गए, समस्त नारद आदि अर्जुन नारद सुखदेव गोस्वामी सबके सब प्रकट हुए, बड़े सुंदर कीर्तन हो रहा था, हैं सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सबके सब वहां प्रकट हुए, और जितने लोग वहां कथा सुन रहे थे सभी के लिए एक एक रथ आया, और सबके सब रथ में बैठ करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भगवत धाम को चले गए। देखो आप भी कथा सुन रहे हो, जब कथा विश्राम होगा ना, आप सभी के लिए एक एक रथ आएंगे लेने के लिए, आप जाओगे भगवान का धाम, कौन जाएगा हाथ उठाओ, सही आप जाओगे, ऐसे नहीं रथ आ गया तो घर में भाग गए तुम, हाथ तो उठा रहे हो, अगर सचमुच से रथ आ जाएगी ना, यहाँ एक भी यहाँ नहीं दिखेगी। बोला अगर बेटी की शादी नहीं हुई, अभी नाती पोती होने वाले हैं, घर का काम ये बाकी है, इसलिए कोई चिंता मत करो, जब तक संसार से आसक्ति खत्म नहीं होगी ना, तब तक ये रथ आने वाले नहीं, कोई चिंता मत करो, तुम प्रेम से भगवान की कथा सुनो, ठीक है। अभी जब सबके सब उद्धार होकर चले गए, इसको देख करके श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नारद
माइक ले जा। नारद जी बड़े आश्चर्य हुए, बोले कथा में इतने शक्ति पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी उधार हो गए, इसलिए उन्होंने में इतने में तब उन्होंने प्रश्न करते हैं, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं हो रही, बड़ा दुख कष्ट पाता है, बताओ कथा सुनकर के उनकी उद्धार होगी कि नहीं। तब श्री चतुसन ने फिर उन्हें सुंदर एक कथा सुनाई, गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाई। अब ये प्रभु जी आपको गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाएंगे, इसको बाद में कथा को विश्राम देंगे। क्या प्रसाद आ गया? क्या प्रसाद लाए? हाँ हलवा आएगी, इसके बाद में प्रसाद लेकर सबके सब जाना, ठीक है? तो भोग लगा दो। तो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। काली ने हाथ उठा कर बोला, एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हाँ देखो ये जो बच्चा है ना, जब हम यहाँ से जाएंगे, ये जितने यंग बच्चे से बैठे हुए सब यंग बच्चे, ये तुमको अलग अलग क्लास देगा। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये आडोप्टो कंपनी में नौकरी करता था, इसका तनख्वाह पर 1,00,000 रुपया थी, लेकिन उसने सब छोड़ करके, ये राजस्थान के सब छोड़ करके उसने जगत में हमारी सनातन धर्म प्रचार हो, सबके सब भगवान की भक्ति भजन करे, इसलिए उसने नौकरी छोड़ करके ये हरे कृष्णा ये आंदोलन में उन्होंने मदद किया है। आंदोलन मतलब क्या, सारा विश्व भगवान के नाम की भक्ति में डूबे, इसलिए आंदोलन में ये कोशिश करेगा। तुम जो यंग बच्चे हो तुम सबको भक्ति में लगा करके जाएगा और तुमको अलग अलग बैठा कर कुछ अच्छी कथा सुनाएगा, ठीक है? परमाराधितम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त भक्तिमती माताएं श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। शौनकादि ऋषि ने जब प्रश्न किया श्री नारद जी से, उस समय पर श्रीमद भागवत कथा का जो पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य वर्णित है वो हम लोगों ने अभी श्री गुरुदेव के मुखारविंद से सुना। यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को तो नवयौवन प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है ही, किंतु क्या इस कथा का श्रवण करके किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? उस समय पर श्री चतुसन वर्णन करते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्ग का। कहते हैं अरे पापियों की बात तो क्या, ये मानवा पाप कृतम तो सर्वदा, जिन्होंने सब समय पूरे जीवन पाप कृत्य के अलावा और कुछ किया ही नहीं हो, ऐसे क्रोधी ऐसे कुटिल व्यक्तियों का भी यदि उद्धार हुआ तो किससे? सप्ताह यज्ञेन कलोपनंदिते, केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह से ही उन पापियों का उद्धार हुआ है। उस समय पर एक इतिहास का वर्णन करते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, बड़े सदाचार संपन्न शौच निष्णात इत्यादि थे। कहते हैं विद्वानों के अंदर उनको द्वितीय भास्कर बतलाया जाता था, इतने बड़े पंडित प्रगाढ़ पंडित। लेकिन उनकी पत्नी पूरी विपरीत, पत्नी का नाम था धुंधली, और जिस तरह से नाम उस यथा रूप यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही उसकी क्रियाएं थी। धुंधली का अर्थ क्या हुआ है? कहते हैं धुम धुम करोती अज्ञानम कलहम करियति कारयति धुंधली, कि जिसे सब समय कलेह जिसे सब समय क्लेश में ही मजा आए, ऐसी धुंधली का स्वभाव था। जब तक 4-5 औरतों से लड़ नहीं लेती पूरे दिन भर में, जब तक उसको कलह नहीं हुआ, कलह से ही आनंद प्राप्त होता था, ऐसी थी धुंधली। देखो इस संसार में भी प्राय ऐसा होता है, पति तो कभी कभी आत्मदेव होता है और पत्नी होती है धुंधली। पति तो बड़ा भक्तिमान होता है लेकिन पत्नी विपरीत होती है, और कभी कभी पत्नी होती है आत्मदेव
लेकिन पति हो जाता है धुंधली का स्वरूप। इसलिए बतला रहे हैं कि विपरीत स्वभाव के कारण उनके घर में सब कुछ था लेकिन फिर भी बड़े दुखी थे। भगवान का दिया सब कुछ था लेकिन फिर भी बड़े दुखी थे। कारण क्या था? आत्मदेव बड़े कंजूस थे, कृपण थे। खुद के घर में तो सुख भोग की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यदि द्वार पे कोई साधु आ जाए तो उनकी सेवा के लिए कभी एक पैसा निकालते नहीं थे। बड़े कंजूस स्वभाव के थे, इसीलिए घर में कोई संतान भी नहीं थी। यदि घर में कोई गाय लेकर आए तो गाय भी बछड़ा नहीं देती थी। कोई वृक्ष यदि रोपण करे तो उस वृक्ष में फल भी नहीं उगता था। इतने अभागे थे, बड़े दुखी थे। एक दिन तो क्रंदन करते करते और वन में चले गए और बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। उसी समय पर वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। सन्यासी इनके पास में आकर और प्रश्न करने लगे, कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलियसी। अरे विप्रवर, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? कोई चिंता है तो हमें बतलाओ, हम उसका समाधान करेंगे। आत्मदेव तब वर्णन करते हैं कि न जाने कौन से पूर्व पूर्व जन्मों के पापों का फल उदय हुआ है कि भगवान का दिया हमारे घर में सब है लेकिन कोई संतान नहीं है। बड़ा दुखी हूं, आप ही कुछ उपकार कीजिए। सन्यासी सोचने लगे कि मैं सोच रहा था कोई भगवान का नाम ले लेकर रो रहा होगा, यहाँ तो पुत्र का भूत चढ़ा हुआ इनके सर में। सन्यासी ने समझाने की कोशिश करी, मुंच ज्ञानम रजा रूपम बलिष्ठम कर्मणागति। अरे कर्मों की गति के अनुसार ही इस जीवन में पुत्र पौत्र इत्यादि सुख प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त करके और पुत्र प्राप्त करके तुम्हें सुख मिलेगा, ये एकमात्र मूर्खता का विचार है। राजा सगर, उनके तो 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हो गए? राजा चित्रकेतु, उनके पहले कोई संतान नहीं थी, बाद में जाकर जब संतान हुई वो संतान ही कितने विराट दुख का कारण बनी। पुत्र होने से सुखी हो जाओगे, इस विचार को त्याग दो। यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या करो? सन्यासे सर्वता सुखम। कह रहे हैं एकमात्र सन्यास ग्रहण करके, भगवान का भजन ग्रहण जदि करोगे तभी जाकर सुखी हो सकते हो, वरना इस दुखालय में कौन सुखी हो पाया है? आत्मदेव कहने लगे कि आप बाव्य वैरागी, आप लोगों को क्या पता कि पुत्र और परिवार में क्या सुख होता है? अरे छोटे छोटे बालक जब पापा पापा मम्मा मम्मा कहते कहते जब आते हैं तो मन को कितना आनंद मिलता है, तुम त्यागी वैरागियों को क्या पता? सन्यासी जी समझ गए कि इनके तो बड़ा भारी भूत चढ़ा हुआ है, इनको समझ में नहीं आएगा। फिर से कहने लगे कि देखो हम थोड़ा ज्योतिष भी जानते हैं, तुम्हारे सर की रेखा पढ़ के और मैं बतला रहा हूँ, सप्त जमना पुत्र नैवच नैवच, 7 जन्मों तक, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। ये मात्र सुनना था और आत्मदेव तो इतने दुखी हो गए, सर पर सर पटक पटक कर जमीन पे और रोने लगे, छाती पीट रहे हैं कि आपने मेरे सोच रहा था मेरा दुख कम कर दोगे, आपने तो मेरा दुख और 7 गुना बढ़ा दिया। उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि आप ही कुछ उपाय करो, नहीं तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। सन्यासी जी सोचने लगे कि कहां से ये हमारे शरीर में हमारे पास में प्राण त्याग रहा है, हम अपना रास्ते चल रहे थे, अच्छी राम राम हुई इससे। बोला मुझे छोड़ो, मैं तो यहां से दूर चला जाऊंगा। हमने क्या तुमसे कोई दक्षिणा थोड़ी ली है कि हम तुम्हें पुत्र देंगे? बोले नहीं, आपको कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। उसी समय पर सन्यासी ने एक फल तोड़ के अभिमंत्रित करके और आत्मदेव को दिया, बोले इसे अपनी पत्नी को खिला देना, ये फल खा के तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। सुनते ही तो आत्मदेव नाचने लगे, दौड़ते दौड़ते घर के आए और घर पे बोलते हैं, बोले भाग्यवान सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। धुंधली भी दौड़ी दौड़ी आई, हो सकता है आज यजमान के द्वारा बड़ी कोई भारी दक्षिणा मिली होगी इसलिए इतने खुशी है। आकर देखा तो हाथ में फल, बोले मैंने जीवन में कभी फल खाया नहीं क्या, क्या ये फल लेकर आए हो मेरे लिए? बोले इसे साधारण फल मत समझे पगली, इसको खाने से पुत्र होगा। ओ अच्छा, इसको खाने से संतान होगी। धुंधली भी, नाम ही धुंधली है ना, मन ही मन विचार कर रही है खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। शाम में उसकी जब बहन घर में आई तो उसके साथ में तर्क करने लग गई कि मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसका शरीर बड़ा कमजोर हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, अगर घर में कभी अगर गांव में चोर आ गए तो मैं तो कभी भाग भी नहीं पाऊंगी, घर में आग लग गई तो मेरा क्या होगा? मैंने सुना है सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, अगर मेरी संतान 3-4 साल भी रह गए तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क, ऐसी कुतर्क बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया, उस फल का भक्षण नहीं किया, फल खाया नहीं। आत्मदेव ने प्रश्न किया कि श्रीमती जी फल खा लिया? बोले हाँ फल खा लिया।
उसकी बहन ने कहा, बोले तेरे पति भी ना साधु बाबा के चक्कर में आके और पगलाए गए हैं। अरे फल खाने से कोई संतान होती है? तो ये फल दे दे गाय को, पता चल जाएगा साधु का कितना प्रताप है, कितना आशीर्वाद है उसका। और मेरी बात सुन, तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, मेरे घर में कुछ खिलाने को नहीं, मैं अभी गर्भवती हूँ, कुछ समय में मेरी संतान जो होगी वो मैं तुझे दे दूंगी, और मेरे पति को उसके विनिमय में तू कुछ पैसा दे देना, मेरा पति भी प्रसन्न हो जाएगा। बोले ठीक है, तो इसी प्रकार नाटक कर। देखो यहाँ पर टीकाकार लोग बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। आत्मदेव आखिर है कौन? तुंगभद्रा की नदी के किनारे पर जो आत्मदेव रहता था, हम सब भी वही आत्मदेव का ही स्वरूप है। तुंगभद्रा मतलब तुंग अर्थात श्रेष्ठ, और भद्रा मतलब श्रेष्ठ साधन। तो हम सब भी, तो ये मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है, ये एक सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें भगवान ने दी है, और इसके द्वारा हम साधन भजन करके क्या कर सकते हैं? आत्मदेव बन सकते हैं। आत्मदेव अर्थात जो अपनी आत्मा को दिव्यता में प्रतिष्ठित करना चाहता हो, इसलिए हम सब ही आत्मदेव का स्वरूप है। लेकिन धुंधली धुंधली है हमारी कुतर्क बुद्धि। जिस प्रकार कुतर्क की ये धुंधली थी, इसने साधु द्वारा प्रदत्त फल को स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार हम भी सत्संग बढ़ा जाते हैं, खूब सत्संग में जाएंगे, जब भी साधुओं की कथा सुनते हैं बड़े सर हिला हिला के, वाह बाबा ने क्या बात कही, बड़े आनंद से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही घर में लौट के आते हैं, साधु द्वारा जो हमने वचन श्रवण किए थे, जो शिक्षा ग्रहण करी थी, उसे स्वीकार नहीं करते, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते। इसलिए ये कुतर्क बुद्धि जो हमारी बुद्धि है, इससे क्या करना पड़ेगा? इससे शासन करके और आत्माएं प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए यहां बता रहे हैं, धुंधली ने वो फल नहीं खाया और गाय को वो फल खिला दिया। जब समय हुआ, उस समय पर उसकी बहन ने लाकर अपने पुत्र को दिया, और जैसे ही आत्मदेव ने ये बात सुनी कि पुत्र घर में हुआ है, बड़े आनंदित हो गए, पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, और धुंधली से आकर प्रश्न करने लगे। उस समय पर धुंधली कहती है कि देखो, आनंद का विषय तो है, लेकिन मेरे स्तन से दूध नहीं झर रहा, जिसका पुत्र होगा तभी तो माँ के स्तन में दूध आएगा। बोले क्या करें? बोले गाय, मेरी बहन ने अभी अभी एक संतान का जन्म दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे बुला लेते हैं, वो ही हमारे पुत्र का पालन करेगी। ठीक है, अभी जिसका पुत्र है वो ही माँ आकर पुत्र का पालन कर रही है। ठीक 3 महीने बाद में जो साधु द्वारा फल दिया गया था गाय को, उस गाय के गर्भ से भी मनुष्य शिशु का जन्म हुआ। गांव वाले देखकर तो आश्चर्यचकित हो रहे थे, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि भैया भगवान यदि देता नहीं तो देता नहीं, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के। कहा आत्मदेव के घर में तो एक भी संतान नहीं थी, और अब गाय के गर्भ से भी मनुष्य शिशु का जन्म। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। शिशु भी इतना सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, इतना अपूर्व। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गाय के गर्भ से जिस संतान का जन्म हुआ, उसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था, केवल मात्र उसके कान गाय जैसे। अभी दोनों शिशुओं का नामकरण होगा। धुंधली जी कहती है कि ये हमारा पुत्र है, इसका नामकरण भी हम ही करेंगे, बताओ भाई क्या नाम होगा? बोले मैं धुंधली, मेरा पुत्र धुंधुकारी। धुंधुकारी का अर्थ क्या हुआ? धुम धुम कलेहम क्लेशम करोति कार्यति यासा धुंधुकारी। अरे जिसे सब समय क्लेश, माँ के समान ही पुत्र हुआ, जिसे सब समय क्लेश और कलह में ही मजा आने लगा है, वो धुंधुकारी हुआ। लेकिन गोकर्ण उसके पूरे विपरीत। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, खल। धुंधुकारी के लिए शब्द व्यवहार हुआ है खल। खल मने ख और ल, जिसके दो ही काम थे, खाना और लड़ना। जब तक मोहल्ले वाले बच्चों से, 4-5 बच्चों से लड़ नहीं लेता, जब तक कुएं के पास में यदि कोई बच्चा खेल रहा होता, उसे धक्का मार के कुएं में गिरा देता, घर के बर्तन बेच आता, माता पिता से भी लड़ने लगता, इतना कलह प्रिय था। और धुंधुकारी का तो ऐसा स्वभाव, गोकर्ण लेकिन पूरे विपरीत। कह रहे हैं पंडितों ज्ञानी, साधु के द्वारा, साधु के आशीर्वाद से जो संतान उत्पन्न हुई है वो तो पंडित होगी ही। अभी धुंधुकारी के अत्याचार से माता पिता इतने दुखी हो गए, आत्मदेव तो आत्महत्या करने के लिए घर छोड़ के और वन की ओर जब जा रहे थे, तब धुंधुकारी ने, जब गोकर्ण जी ने उन्हें समझाने की चेष्टा करी, बोले पिताजी आप विचार कर रहे हो कि इस संसार में बड़ा दुखी हूँ और आत्महत्या, इस शरीर को त्याग कर देने से सुख प्राप्त होगा। बोले नहीं पिताजी, न च इंद्रियस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। पिताजी
ना ही तो इंद्र सुखी है ना चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। इसलिए गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिवजी को भारी, तुलसीदास कह विचारी, बिना हरि भजन सब जीव दुखियारी, सब जीव दुखियारी। अरे जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है कि जिन लोगों के पास धन है, जो धनवान व्यक्ति है वो सुखी होगा, जो धनवान व्यक्ति है उन्हें स्वर्ग का सुख बड़ा आकर्षित करता है। स्वर्ग के देवताओं को यदि प्रश्न करो तो उन्हें ब्रह्मा शिवजी का सुख बड़ा आनंदित लगता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं केवल मात्र हरि भजन जिसने अपने जीवन में अपनाया है वो ही सुखी है। इसलिए यहाँ कहते हैं सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवनम, केवल मात्र जो साधु संत जो भगवान का भजन करते हैं और दूसरों को भी भगवान के भजन में नियुक्त करते हैं ऐसे साधुओं के पास भी परम सुख परमानंद का स्रोत है। इसके अलावा जी इस संसार में दुखालय में सुख है ही नहीं। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर अपने पिताजी को उपदेश दिया, देहे अस्ति मांस रुधिराभिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कहते पिताजी इस संसार में बंधन के दो ही कारण हैं, मैं और मेरा। इस शरीर को हम मैं मान लेते हैं लेकिन हम तो ये शरीर है नहीं। भगवान कहते हैं ये शरीर नहीं तुम हो आत्मा, इसलिए बतलाया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है और इस शरीर से संबंधित लोग उन्हें हम मेरा मानते हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं। अरे जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो इस शरीर से संबंधित लोग कैसे तुम्हारे हो सकते हैं। गोकर्ण जी बतलाते हैं जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच, अरे आपकी जो ये आसक्ति है इस संसार में अपने पत्नी से अपने पुत्र से यही एकमात्र दुख का कारण है। यदि इसे दूर कर दोगे तो क्या होगा, तब भगवान का भजन कर सकते हो। कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, अरे किसी का दोष भी मत देखो किसी का गुण भी मत देखो। मानो आत्मदेव यहाँ प्रश्न करते हैं कि भैया किसी के गुण देखने में तो क्या दिक्कत है, किसी के गुण से तो शिक्षा ले सकते हैं। बोले नहीं, किसी के दोष यदि देखोगे तो उससे घृणा हो जाएगी और किसी के गुण यदि देखोगे तो उसमें भी आसक्त हो जाओगे। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, और क्या करो सेवा कथरस महो नितराम पिबत्वम, साधु संग करो पिताजी। साधुओं के संग में भगवान की बलवती हरि कथा जब श्रवण करने को मिलेगी तब ही जाकर क्या होगा, संत एवस छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। संत ही हमारी इस आसक्ति को अपनी कुठार से काटते हैं तभी जाकर हमारा हृदय भगवान के भजन में लगता है, भगवान के चरणों में लगता है। इस प्रकार बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया। पिताजी उसी समय पर दशम स्कंध का पाठ करके और भगवत धाम को गमन गए हैं। इस तरफ माता धुंधली को धुंधुकारी ने इतना पीड़ित किया कि उसने तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। घर में पांच पांच वैश्याओं को ले आया और उनकी मांग पूरी करने के लिए कभी चोरी करता कहीं पर डाका डालता। एक समय पर तो राजा के राज दरबार में राजकोष में जब उसने डाका डाला बहुत सारे हीरे माणिक के घर में ले आया। पांचों वैश्याओं ने सोचा कि अगले दिन जब सैनिक इसकी खोज करते करते आएंगे इनके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। तो क्या किया, रातों ही रात जब वो सो रहा था उसके गले में फंदा डाल के और उसको मारने की चेष्टा करी। मर नहीं रहा था तो जलते हुए अंगार लेकर उसके मुंह में ठूस ठूस के उसको मार दिया। वहीं पर गड्ढा खोदा उसको वहीं पर गाड़ के और सारा माल लेकर भाग गई। इतनी दुर्गति से उसकी मृत्यु हुई है, शांति तो आत्मा को मिलेगी नहीं, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जैसे ही गोकर्ण जी को यह बात पता चली प्रयागराज में उसका श्राद्ध किया पिंडदान करके और पुनः जब घर में आए हैं बड़े भयानक भयानक रूप लेकर कभी घोड़े का कभी भेड़ का कभी बकरे का कभी हाथी का स्वरूप ले लेकर अपने भाई को डरा रहा था। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लेकर जैसे उसके ऊपर छिड़काव किया उसी समय पर बोलना आरंभ किया, अहम भ्राता तुदीयो अस्मिन् धुंधुकारी दिनामिना, हे भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूँ और पूरे जीवन में मेरे कोई पुण्य कर्म तो थे ही नहीं, तुम्हारे जैसा एक भक्तिमती भाई प्राप्त हुआ है यही मेरा सर्वश्रेष्ठ कृत्य है, इसलिए तुम मेरे उद्धार का कुछ कारण करो। गोकर्ण जी ने कहा कि तेरे नाम पे तो मैंने पिंड दान दिया क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले मैंने इतने पाप किए हैं
एक बार तो क्या 100 बार क्यों ना तुम पिंडदान करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उस समय पर गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तो तुम जाओ, कल सवेरे हम तुम्हारी मुक्ति का कुछ उपाय करेंगे। विद्वत गोष्ठी को बुलाया, सभी से प्रश्न किया, कोई सुझाव नहीं मिला। उसी समय पर सूर्यदेव की आराधना करी। सूर्यदेव ने उस समय पर प्रस्ताव दिया, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहम् वाचनम् कुरु। अरे ये मुक्ति प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक दिवस यदि तुम आयोजन करोगे तब जाकर तुम्हारे इस भाई को मुक्ति मिलेगी। इसीलिए इतना पापी व्यक्ति था, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। अभी प्रेत तो क्या है, वायु को आश्रय करके लेते हैं, कहां पर बैठेगा। एक बांस का टुकड़ा था, 7 गांठ थी उसके अंदर, उसी 7 गांठ वाली बांस के अंदर धुंधकारी अभी बैठा है, विराजमान है। और गोकर्ण जी कथा करेंगे, हजार हजार श्रोता उमड़ के आए हैं, पूरा गांव वहां पर एकत्रित हो गया। और धुंधकारी ने भागवत, गोकर्ण जी ने वहां पर भागवत की गुणगाथा गान कर रहे हैं, सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत कथा केवल मात्र सप्ताह के लिए या केवल मात्र 1-2 दिन श्रवण करने की विधि नहीं, कहते हैं सदा सेव्याम श्रीमद् भागवत कथा निरंतर श्रवण करने का विषय है। और क्या करो, इसका श्रवण करने से क्या होगा, वे हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान स्वयं हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। भागवत की इतनी महिमा गाई, जैसे जैसे एक एक दिन की कथा शेष होती गई, गांठ जो बांस में एक एक गांठ थी वो एक एक गांठ चटकती गई, और जैसे 7 दिन हुए 7 गांठ चटक गई। और धुंधकारी ने उसी समय पर दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया, गले में तुलसी की माला है, पीताम्बर धारण करा हुआ है, चतुर्भुज स्वरूप जिस प्रकार विष्णु दूतों का स्वरूप होता है, ऐसा ही बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके धुंधकारी वहां पर प्रस्तुत हुए। गोलोक वृंदावन से विमान आया और धुंधकारी अभी उसके अंदर जैसे ही बैठ के और निज धाम को जाएंगे, गोकर्ण जी प्रश्न करने लग गए कि भैया तुमने ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो, ये गड़बड़ मत करो। अरे इतने सारे श्रोता बैठे हैं, सबने तो कथा सुनी, लेकिन तुम रथ लेकर आए हो, एक ही। तब विष्णुदूत स्वयं उत्तर देते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फलोऽस्त विभेद, कहते हैं कथा तो सभी ने श्रवण करी, लेकिन जिस प्रकार एक चित्त होकर पूरे ध्यान से एक मन से धुंधकारी ने कथा सुनी, उसी प्रकार सभी ग्रामवासियों ने नहीं सुनी, इसीलिए केवल मात्र धुंधकारी के लिए रथ आया। अगर इन सभी ने भी बड़े एक मन से एकाग्रचित्त होकर कथा सुनी होती तो इनके लिए भी रथ आता। अभी सारे ग्रामवासी दुखी हो गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम हैं, पुनः हम भागवत कथा का सप्ताह आयोजन करेंगे। फिर कुछ समय बाद में गोकर्ण जी ने एक सप्ताह भागवत कथा बाची वहां पर, और क्या हुआ, जितने श्रोता बैठे थे उतने ही रथ वहां पर उपस्थित हुए, सभी के लिए रथ आया है। साक्षात गोलोक वृंदावन से ठाकुर जी भी उपस्थित हो गए, गोकर्ण को गले लगाकर गोकर्ण की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि तुम जैसे भागवत दानी, तुम जैसे भागवत भक्ता धन्य है जिन्होंने इस पूरे श्रोताओं को उद्धार करने का निमित्त बने हो। इसलिए गोकर्ण जी की बड़ी महिमा गाई। और जिस प्रकार अयोध्या के अंदर भगवान राम अपने समस्त अयोध्या वासियों को लेकर निज धाम को जा रहे थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के भागवत कथा के सप्ताह आयोजन से सारे ग्रामवासी भगवान के धाम को गए हैं। इतनी महिमा श्रीमद् भागवतम की। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। अरे भागवत वार्ता, धन्य भागवती वार्ता, कह रहे भागवत कथा की जय हो जय हो। यही एकमात्र है जिस कथा है जिसका श्रवण करने से प्रेत योनि में प्राप्त धुंधकारी भी भगवान के लोक को चला गया। इतनी श्रेष्ठ कथा है कहां श्रवण करने को मिलेगी। भागवत कथा का वहां पर अमल यशगान किया और उसके बाद बतला रहे हैं कथा यदि श्रवण करो तो करो कैसे, क्योंकि पहली बार जब कथा का आयोजन हुआ धुंधकारी के लिए ही रथ आया, तब उस समय पर विष्णुदूत कहते हैं कथा श्रवण करने की एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र है, बोले विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मनस्तोष जयश्चैव कथायां निश्चलां मति। सबसे पहला रूल बताया विश्वास गुरु वाक्येषु, जो व्यास बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं उस कथा में और उस व्यास के शब्दों में पूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्रों की वाणी को मनगढ़ंत मान के और उस पर विश्वास नहीं रहे, नहीं।
पूर्ण रूप में विश्वास रख के जो शास्त्र में वर्णित है उसी का ही व्यास नंदन गान कर रहे हैं और उसी को ही हम श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करो, सदगुरु और संतों की वाणी पर कितना विश्वास होना चाहिए। एक समय पर एक चेला, एक गुरु का आश्रम था, वहां पर चेला आता था रोज गुरु जी से कथा सुन के और अपने घर को जाता था। घर जाने के लिए उसे क्या करना था, नदी पार करनी पड़ती थी। अभी एक दिन जन्माष्टमी का दिन उपस्थित हुआ, जन्माष्टमी के दिन में उत्सव होते होते रात में 12 बज गए और उस समय पर नाविक तो चला गया था वहां पर नदी पार करने को, कुछ था नहीं। गुरु जी ने शिष्य से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाओ, आश्रम में रुको, आश्रम में तो कोई दिक्कत नहीं। बोले गुरु जी एक दिक्कत है। बोले क्या, कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे सब समय आश्रम का चिंतन होता है, अगर आप मुझे आज आश्रम में रोक लोगे तो मुझे सब समय घर का चिंतन होगा। आप बताओ क्या बढ़िया है, घर जाकर आश्रम का ही चिंतन करूं वो ज्यादा अच्छा ना, यहाँ बैठे बैठे भी घर की ही याद आए। बोले बेटा ठीक है, तब तो तू घर ही चला जा। ठीक है, जैसे ही नदी कैसे पार करेगा, ये प्रश्न उठाया। गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे एक मंत्र लिख कर दे देता हूँ, उस मंत्र को तो अपने हाथ में रखना और उस मंत्र का इतना प्रभाव होगा कि तो पानी के ऊपर चल चल के चला जाएगा। बोले पानी के ऊपर चलूंगा सच में? बोले हाँ, मंत्र की शक्ति से होगा ऐसा। ठीक है, गुरुजी ने मंत्र लिख के हाथ में पकड़ लिया, हाथ में जैसे ही शिष्य को दिया वो ले लेकर अभी नदी सामने है, एक पैर आगे बढ़ाया, देखा है तो डूब नहीं रहा है, दूसरा पैर आगे बढ़ाया, बोले सच में मैं तो पानी पे चल रहा हूँ। बस पूर्ण रूप में शक्ति, मन में विश्वास हो गया, विश्वास रखते रखते पूरी नदी को चल चल के पार कर रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है आज। अभी नदी पार ही होने वाला था, थोड़ी सी बाकी रह गई थी। मन में सोचने लगा कि एक बार खोलकर देखूं तो सही क्या लिखा है गुरुजी ने, इसका मंत्र कौन सा लिखा। जैसे ही खोल के देखा उसके अंदर क्या लिखा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उसने मंत्र पढ़ा बोले बस यही लिखा हुआ था, बस इतना सा ही उसको संशय हुआ कि तुरंत वहां पर डूब गया। इसलिए कहते हैं विश्वास गुरु वाक्येषु, जो संत ने कह दिया, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस पर पूर्ण रूप में विश्वास रखते हुए यदि हम हरि कथा को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, तब जाकर रथ जाने का कुछ चांसेस है। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वो भाविनः। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, बड़ी दीनहीन भाव से कथा सुननी चाहिए, अभिमान पूर्वक नहीं। कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जी जैसे। हनुमान जी राम कथा के सबसे बड़े रसिया हैं। हनुमान जी को बताया ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी। लेकिन जब भगवान की कथा होती है, जब जब भी राम कथा होती है, तब क्या करते हैं, सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं। नियम है कथा व्यास आने से पहले श्रोताओं को उपस्थित हो जाना चाहिए। तो हनुमान जी भी उसी प्रकार, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नंदनम राक्षसांतकम। कह रहे हैं जहां जहां पर भगवान की कथा होती है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां पर उपस्थित होकर वह उस स्थान को प्रणाम करते हैं, बड़े दीनहीन भाव से वहां पर प्रणाम करके उस स्थान की धूली को अपने सर पर लगा के और बड़े दीनहीन भाव से आंखों से अश्रु बहाते हुए कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए बताया स्वस्मिन् दीनत्वो भाविनः मनः दोष जयश्चैव, कि मन की चंचलता मत रखो, अपनी इंद्रियों पर अपने मन को तो स्थिर रख के और एक मन से यदि कथा श्रवण करोगे तब क्या होगा, तब जाकर हमारे लिए भी रथ आएगा। तो कथा सुनने की यहाँ पर विधि बताई, उसके पश्चात दो तरह के श्रोताओं का वर्णन कर रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। ताली बजा, ताली बजा। इसलिए कल से आज तो थोड़ा लेट हो गया, लगता है आता है, कुछ भोजन भी नहीं किया, मैं सोचा जल्दी जल्दी हम विश्राम दे दे, लेट हो गया, इसलिए अभी एक कीर्तन उसके बाद आरती प्रसाद लेकर जाना और कथा तक भैया डेढ़ से लेकर के साढ़े चार बजे तक, अगर टाइम से आप लोग आओगे फिर हम कोशिश करेंगे टाइम से कथा को विश्राम दे दे। ठीक है, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे, सब खड़े हो जाओ, नाचने वाले भजन गाएंगे, क्योंकि भगवान के दरबार में भागवत कथा में जो नाचेगा उसको 84 लाख जो नाचना उसकी खत्म हो जाएगी। सब सब कथा में नाचना और सब कैसे प्रसाद लेकर जाना, सब सब आगे आ जाओ भैया लोग, आगे आ जाओ। हाँ बढ़िया भजन गा, बोलिए श्री बाकी नाम की ओड़ी चुनरिया
Yeah.
Thank you.